सबसे इम्पोर्टेंट जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है ओम के नियम को सत्यापित करो। जो कोई ऐसा साल नहीं है, अल्टरनेट करके हर एक साल दो साल के बाद से रिपीट करता है। संजोग से पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं दिया तो इस साल पूरी तरह से पूछने की संभावना है। कई तरह से क्वेश्चन ये पूछता है, साइलेंट रूप में ही पूछता है। सामान्य रूप में पूछेगा तो सारे लड़के जानते हैं ओम का नियम, मास्टर भी हल्ला करते हैं कि ओम का नियम आने वाला है, ओम का नियम आने वाला है। लेकिन ओम का नियम आता भी है और लड़के आंसर भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो डिटेल से पढ़े होते हैं वो ओम के नियम का सत्यापन किसी भी तरह से पूछता है जरूर उसको बता देते हैं। ओम का नियम कई तरह से पूछेगा, एक तो ऐसे पूछेगा ओम का नियम क्या है, दूसरी तरह से पूछेगा कि विद्युत धारा विभवांतर तथा प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, इस संबंध के इस संबंध को बता, ठीक है ना, संबंध की जाँच करें। तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछता है विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, इस नियम की सत्यता की जाँच करें। चौथी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नियत ताप पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, हाँ इस संबंध की जांच करें। इस तरह से तमाम क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ये सारे ओम के नियम ही है। ओम का नियम क्या, समझ लीजिए, जर्मनी का एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन, यही जो है जॉर्ज साइमन ओम जो था, कहाँ का वैज्ञानिक, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना, यही जॉर्ज साइमन ओम जो था 1826 ईस्वी में, ये जॉर्ज साइमन ओम जो है विद्युत धारा तथा विभवांतर के संबंध में नियम दिया। क्या नियम दिया, यही दिया विद्युत धारा विभवांतर के क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं ओम का नियम। ताप पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, इसी को क्या कहते हैं ओम का। विद्युत धारा को आई से विभवांतर को भी से समानुपाती को भैरी से स्वीप करते हैं। इस भैरी को जब इक्वल में बदलते हैं तो एक कॉन्स्टेंट जुट जाता है, नियतांक जुड़ता है आर, यानी आई बराबर वी बटा आर हो जाता है, जहां आर जो है प्रतिरोध है या नियतांक है, आई विद्युत धारा है, वी विभवांतर है। अब देखिए ओम के नियम को सत्यापित करना यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपको लिखना है। इसके बारे में तो हम जो है थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम स्विच लेते हैं, बैटरी लेते हैं, एमीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, नाइक्रोम का तार, और चित्र के अनुसार क्या करते हैं, सजाते हैं। यही हम लिखे हुए हैं ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए स्विच, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, नाइक्रोम का तार लेते हैं और चित्र के अनुसार क्या करते हैं, सजाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, उसके बाद से जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने का मतलब विद्युत परिपथ को शुरू करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही जो है विद्युत परिपथ से जो है धारा प्रवाहित होना शुरू कर देता है, यही धारा प्रवाहित होना शुरू कर देता है। विद्युत परिपथ में लगा जो एमीटर होता है वह किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है वह किसको मापता है, डाइक्रोम के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इस प्रयोग को हम अलग अलग बैटरी से जो है दोहराते हैं, पहले एक बैटरी लगाए फिर दो बैटरी फिर तीन बैटरी, और प्रत्येक बार अलग अलग बैटरी से प्रत्येक बार जो है जो धारा का मान प्राप्त होता है विद्युत धारा का मान उसको लिखते जाते हैं, और प्रत्येक बार प्राप्त वोल्ट मीटर का जो मान प्राप्त होता है विभवांतर का मान प्राप्त होता है उसको हम जो है क्या करते हैं लिखते जाते हैं, या विभवांतर का मान लिखे हुए हैं या विद्युत धारा का मान लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत है। हम देखते हैं प्रत्येक बार विद्युत धारा और विभवांतर का जो मान प्राप्त हुआ है उन दोनों में अनुपात निकालते हैं, तो दोनों में अनुपात निकालते हैं हर बार तो एक समान राशि प्राप्त होता है, जिससे ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापन। कोई दिक्कत है। अब आखिर में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बार प्राप्त विद्युत धारा के मान को ग्राफ में y अक्ष पर रखते हैं और प्रत्येक बार प्राप्त विभवांतर के मान को ग्राफ में क्या लिखते हैं, x अक्ष पर, और उससे ग्राफ खींचते हैं तो कैसे रेखा प्राप्त होती है, सरलरेखा, जिससे ओम का नियम जो है वह क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, यानी सत्यापित हो जाता है विद्युत धारा विभवांतर की क्या होता है, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है जी, सुनाई दे रहा है, फिर एक बार समझ लो जी, कर जाते बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को सत्यापित करें। आप बताइएगा 1826 ईस्वी में जर्मनी का वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम जो था यही जो है ओम के नियम को सत्या ओम का नियम दिया। ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, इसी को क्या कहते हैं ओम का नियम, यानी आई वैरीज भी वैरीज को इक्वल में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आर जुट जाता है, सूत्र मिलता है आई बराबर वी बटा आर, या ओम का नियम से सूत्र मिलता है। इसको सत्यापित करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको सत्यापित करने के लिए हम विद्युत परिपथ में स्विच लेते हैं, बैटरी लेते हैं, मीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, नाइक्रोम का तार लेते हैं और चित्र के अनुसार क्या करते हैं, उसके बाद से स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही परिपथ से धारा प्रवाहित होना शुरू कर देता है। परिपथ में लगा जो एमीटर होता है वह किसको मापता है, विद्युत धारा। परिपथ में लगा जो वोल्ट मीटर होता है वह किसको मापता है, विभवांतर, नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है।
इस प्रयोग को अलग अलग बैटरी से क्या करते हैं, दोहराते हैं और प्रत्येक बार प्राप्त विद्युत धारा के मान को लिखते जाते हैं और प्रत्येक बार प्राप्त विभवांतर के मान को क्या करते हैं, लिखते जाते हैं और फिर दोनों का अनुपात निकालते हैं हर बार। तो हर बार विद्युत धारा और विभवांतर में जब हम अनुपात निकालते हैं तो एक समान राशि प्राप्त होते हैं अलग, जैसे यह साबित हो जाता है विद्युत धारा विभवांतर के क्या होते हैं ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि अलग अलग बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो प्राप्त हुआ है उसको हम ग्राफ में किस पर रखते हैं, वाई, और अलग अलग बैटरी से जो विभवांतर प्राप्त हुआ उसको ग्राफ पर कहाँ रखते हैं, एक्स, और दोनों ही एक्स विभवांतर विद्युत धारा विभवांतर के मान से हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में कैसे रेखा प्राप्त होती है, सरलरेखा, जिससे यह साबित हो जाता है विद्युत धारा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नया क्वेश्चन लिखा, विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत बल्ब की बनावट तथा कार्यविधि का सचित्र बटा है, जल्दी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।